फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाए। जैसे आपके पास दो लाइनें आ रही हैं, दो लाइनें हैं आपको सिंगल फेज की, तो उसमें आप चेंज ओवर के थ्रू कभी जब चाहे चाहे लाइन वन को जोड़ लें या लाइन टू को जोड़ लें। मान लीजिए लाइन वन चली गई तो आप लाइन टू में अपने लोड को शिफ्ट कर सकते हैं, या लाइन टू चली गई तो लाइन वन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। या आपके घर में दो सप्लाई हैं, एक मेन सप्लाई हो गई, दूसरी जनरेटर सप्लाई हो गई, तो आप किसी पे भी स्विच कर सकते हैं इसके चेंज ओवर स्विच के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये निशी कंपनी का 16 एम्पियर 440 वोल्ट रिवर्स एलटी कंट्रोल स्विच है। इसके अंदर के कनेक्शन में चेंज करके इसका चेंज ओवर स्विच भी आता है। तो ये 16 एम्पियर का है, इसमें 25 एम्पियर 40 एम्पियर 63 एम्पियर आता है। आपका घर का जितना भी लोड हो उस तरह से आप कनेक्शन कर लेंगे। इसके अंदर के टर्मिनल बिल्कुल वैसे ही होंगे, बस खाली इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो ये 16 एम्पियर का है, इसी तरह का बिल्कुल 25 एम्पियर का भी मिलेगा आपको, 40 एम्पियर का मिलेगा, 63 एम्पियर का होगा। तो मैं आपको कनेक्शन करना बता रहा हूँ किस तरह से कनेक्शन किए जाएंगे। ये फ्रेंड्स चार होल है ताकि आप इसको किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड पे इसको माउंट कर सकें, इसको इंस्टॉल कर दें। और इधर से ये लीवर दिया हुआ है, इधर से एक तरफ लाइन वन, जैसे ये बीच में ऑफ है, ये देख सकते हैं बीच में ऑफ है, ये लाइन वन जुड़ गई, लाइन टू जुड़ गई, लाइन जोड़ वन ये इधर है, तो लाइन वन मान लीजिए आपने लाइन वन इधर जोड़ी तो इधर लाइन वन हो जाएगी, फिर न्यूट्रल ऑफ हो गए, लाइन टू हो गई। तो मैं इसको खोल के इसके कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये चार टर्मिनल है, चार स्क्रू लगे हुए, इनको खोलने से ये ऊपर का बॉक्स निकल जाएगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स ये दो यहाँ पर होल है, इसको ये रबड़ प्लास्टिक लगी हुई, इसको आप निकाल देंगे। ये केबल अंदर जाने के लिए, केबल जाने के लिए और निकालने के लिए है अंदर से, तो आप इसको खोल लेंगे। ये मैंने खोल दिया। यहाँ पर दो टू शॉर्टिंग लगी है, चूंकि ये फॉरवर्ड रिवर्स एलटी कंट्रोल स्विच था तो इसकी ये दोनों शॉर्टिंग मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि चेंज ओवर में शॉर्टिंग नहीं रहती। तो ये मैं खोल के निकाल देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें जो शॉर्टिंग लगी थी मैंने सब निकाल दी, अब ओपन हो गए। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीन टर्मिनल ये हैं, तीन ये हैं, तीन ये हैं। तो फ्रेंड्स इनपुट टर्मिनल हो गए 1 2 3, इधर भी 1 2 3 हो गए, ये भी इनपुट हो गए, बीच वाला आउटपुट है। ये तीनों इनपुट है, इधर के तीनों इनपुट है, ये आउटपुट है। तो फ्रेंड्स चूंकि सिंगल फेज में आपका एक फेज हो जाएगा, एक न्यूट्रल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आप कोई भी दो टर्मिनल ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, तो ये दोनों लेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों इनपुट हो जाएगा, ये दोनों इनपुट हो जाएगा, ये दोनों आउटपुट हो जाएगा। अगर आप नीचे के दोनों लेंगे तो ये दोनों आपका इनपुट हो जाएगा, ये दोनों इनपुट हो जाएगा, ये दोनों आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह कोई भी, जैसे ये दोनों इनपुट ले लीजिए तो ये दोनों इनपुट हो जाएंगे और ये दोनों आउटपुट हो जाएंगे, उसी के सामने वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूं आपको। तो आप जब इधर आप कर देंगे, इस साइड कर देंगे, तो ये टर्मिनल इससे, जैसे ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा। जब आप लाइन, जैसे मान लीजिए लाइन वन है, और जब इधर कर देंगे इस स्विच को, इधर कर देंगे ऐसे कर देंगे, तो ये वाला स्विच इससे जुड़ जाएगा, ये वाला स्विच इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तो हम दो इस्तेमाल करते हैं, इसमें दो लाइनें लगा देते हैं, एक मीटर के लिए, एक जनरेटर के लिए। फ्रेंड्स आप वायर यहां से निकालेंगे, ये इसी बोर्ड पे माउंट हो जाएगा, है ना, जैसे चाहिए आप माउंट कर लीजिएगा, और यहां से वायर निकालेंगे। यहां मैं अभी आपको दिखाने के लिए कनेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि यहां से निकाल के कनेक्शन तो यही टर्मिनल पे करने, तो मैं ऐसे ऊपर से लगा के दिखा देता हूं। ये देखिए, एक ये मैं दो वायर ले लेता हूं, एक लाइन वन के लिए, एक लाइन टू के लिए। तो एक मेरा मीटर का हो जाएगा, एक और दूसरा वो दूसरा हो जाएगा मेरा जनरेटर का। तो जिधर फेज देंगे उधर तीनों फेज रखना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी इन दोनों टर्मिनल को इस्तेमाल करता हूँ, ये दोनों इनपुट के लिए, ये दोनों इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए। तो मैं ऊपर फेज रखूंगा तो सब में फेज ऊपर हो जाएगा, इसी तरह नीचे न्यूट्रल रखूंगा तो सब में न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को लेता तो अगर यहां फेज रखता तो यहां फेज हो जाता, यहां फेज हो जाता, यहां फेज हो जाता तीनों लाइन का, और यहां न्यूट्रल हो जाता, यहां न्यूट्रल हो जाता, यहां न्यूट्रल हो जाता। तो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको, वायर कनेक्ट कर देना है रेड वाला, यहां पर जैसे कनेक्ट कर देते हैं, फेज है ये। इसको टाइट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स लाइन वन कनेक्ट हो गई, ये लाइन वन का फेज हो गया, लाइन वन का न्यूट्रल हो गया, लाइन वन का फेज, लाइन वन का न्यूट्रल। अब इधर मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, लाइन टू का कनेक्ट कर देता हूँ। लाइन टू को आप मान लीजिए, लाइन टू का चाहे जनरेटर मान लीजिए या कोई दूसरी आपको लाइन, दो लाइन अगर लिए हैं तो उस तरह से, तो ऊपर फेज, यहां पर ऊपर फेज था तो यहां पर भी ऊपर फेज ही रहेगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन वन का फेज हो गया, लाइन वन का न्यूट्रल हो गया, ये मैंने ऊपर के दोनों टर्मिनल इस्तेमाल किए हैं। ये लाइन टू का फेज हो गया, लाइन टू का न्यूट्रल हो गया, ये लाइन टू का फेज, लाइन टू का न्यूट्रल। अब इन पे मैं क्या, इसमें मैं लोड लगाता हूं फ्रेंड्स, यहां पर घर का लोड लगाएंगे। मैं आपको दिखाने के लिए बल्ब होल्डर लगा रहा हूं, दिखाने के लिए यहां पे आप घर का लोड लगाएंगे। तो ऊपर चूंकि फेज है तीनों में, तो ऊपर फेज कनेक्ट कर देते हैं। नीचे न्यूट्रल था, नीचे न्यूट्रल लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्शन हो गए, ये मेरा लाइन वन का फेज हो गया, लाइन वन का न्यूट्रल हो गया, लाइन टू का फेज हो गया, लाइन टू का न्यूट्रल हो गया। ये मेरा घर का लोड यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल पे, ऊपर फेज हो जाएगा घर का जो लोड का, मेरे घर का लोड जो ये है, इसका फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, सारे कनेक्शन हो गए। अब मैं लाइन चालू कर देता हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। ये आप मुझे मालूम है कहाँ पे की सप्लाई आ रही है, आप सप्लाई ऑफ करके ही मेन स्विच, मेन आइसोलेटर, सारी सप्लाई ऑफ करके ही कनेक्शन करेंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सप्लाई दोनों कनेक्ट करके। फ्रेंड्स ये मैंने दोनों लाइनें कनेक्ट कर दी, ये लोड है अभी, मैं ये देखिए बीच में है, ये ऑफ पोजिशन पे है। अब मैं इसको, ये इधर मैंने लाइन वन है तो मैं लाइन वन की तरफ जोड़ता हूँ इस लोड को। ये देखिए लाइन, मेरा लाइन वन से लोड जुड़ गया। अब मैं लाइन, अब ये लाइन टू, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं, यहाँ पर ऑफ है। अब ये लाइन टू की तरफ जोड़ दिया। अब देखिए लाइन टू से मेरा ये बल्ब जल रहा है घर का। अब मैं लाइन टू को निकाल देता हूँ, लाइन टू का निकालने पर देखिए मेरा लोड ऑफ हो जाएगा। लाइन टू निकाल दिया, लोड ऑफ हो गया, लेकिन अभी लाइन वन जुड़ी हुई है तो मैं लाइन वन पे कर देता हूँ इसको। ये देखिए लाइन वन पे जुड़ी हुई थी तो इसलिए मेरा लोड ऑन हो गया लाइन वन पे, दूसरी वाली लाइन चली गई है। अब मैं लाइन टू, लाइन वन को ऑफ कर देता हूँ। देखिए लाइन वन को ऑफ कर दिया, अब लाइन टू को मैं जोड़ देता हूं यहां से। अब मैं इसको लोड को अपना शिफ्ट कर देता हूं लाइन टू पे। देखिए लाइन वन चली गई, अब मैं लाइन इसको न्यूट्रल किया, लाइन टू पे जोड़ दिया, ये सप्लाई आ गई। इस तरह से आप फ्रेंड्स कनेक्शन कर लेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि वीडियो साफ हो जाए। तो इस तरह से आप कनेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी दोनों लगा देते हैं, आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा लाइन टू की तरफ है, इसको न्यूट्रल कर देते हैं, ऑफ हो गया। लाइन वन की तरफ कर देते हैं, लाइन वन भी आ रही है। लाइन वन हो गई, न्यूट्रल हो गई, ऑफ हो गया, और ये लाइन टू हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स आप चाहें तो कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके घर का लोड, जरा मैं ऑफ कर देता हूं बल्ब, तो आपके घर का लोड जितना हो उतने एम्पियर का लीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे ये 16 एम्पियर का मैंने लिया है, चूंकि रिवर्स एलटी स्विच था तो मैंने इसके कनेक्शन जो लूपिंग लगी थी निकाल दिए है, और चेंज ओवर इस तरह से होगा, इसका लूपिंग निकाल देना जैसे मैंने पूरे वीडियो में बताया है। और इसमें जैसे ये 16 एम्पियर का है, अगर 16 आपको 25 एम्पियर का घर का लोड है तो 25 एम्पियर कर देंगे, ले लेंगे इसको। अगर आपका 40 एम्पियर है तो 40 एम्पियर ले लेंगे। तो इस तरह से आपको कनेक्शन फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को कायदे से देख लीजिएगा और सारे कनेक्शन समझ लीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा खास कोई नहीं है, मैं फिर से